हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं करने जा रहा हूँ ना फिश एक्वेरियम का। तो गाइस देखो कितना गंदा हो चुका है, देखो थोड़ा सा अच्छा दिखाता हूँ। देखो गाइस कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है ना, तो पूरी वाइट वाइट ये बन गया। मतलब पानी हमने इतना था, इतना कम हो गया। तो चलो फटाफट से इसका पानी चेंज करते हैं। तो गाइस देखो सारी मछली आधी ज़्यादा तो गाइस ख़त्म हो गई थी। पता क्या कैसे मरी? क्योंकि इसका ये आला जो ऑक्सीजन का पाइप था ना, वो निकल गया था तो नीचे गिर गया, तभी मर गई थी। सो ऐसे ही इसका पानी में चेंज करने जा रहा हूँ। तो चलो गाइस फटाफट से पानी चेंज करते हैं। और गाइस सिम्बू को देखो, हाय के तो पी के भाग गया। और गाइस ये देखो हमारा टर्टल्स, एक इधर के बैठा हुआ है और एक एक्वेरियम के पास बैठा हुआ है ये रहा। तो चलो गाइस फटाफट से पहले इसका पानी चेंज करते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ कितनी मच्छी निकाल देता हूँ पहले बाल्टी में, फिर दिखाता हूँ कितनी मच्छी हमारे पास बची है फिशेस। तो गाइस एक एक करके मैं सारी मछली निकाल रहा हूँ। तो देखो गाइस, ये देखो गाइस बिड़ गया। आ जाओ सुबह देखो, दो गई, तीसरी गाइस, तीन हो गई गाइस। ये देखो तीन मछली गाइस इसमें। ये सबसे बड़ी वाली पकड़ते हैं। ये सबसे ज्यादा उछलती है ये। गाइस चार हो गई, सात को हमने पकड़ ली। अब ये वाली पकड़ते हैं सबसे बड़ी गई गाइस। ये देख गाइस कितनी एक्टिव है ना। उसमें पानी नहीं था, नहीं इसमें नहीं था। तो गाइस पहले इसको निकाल लेता हूँ, फिर ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आ रही है खास से। तो पहले दोनों हाथों से पहले मछली पकड़ता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कितनी मछली हमारे पास बाकी है। तो गाइस मैंने फिशिश निकाल ली है, यही फिशिश बची है मेरे पास, क्योंकि बाकी सारी मेरी मर गई। क्योंकि गाइस इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्योंकि ये पंप निकल गया था, फिर लाइट इसमें डूब गई थी इस वजह से भी। अब फिर उसमें लाइट वाइट फिर कुछ जली ही नहीं, क्योंकि फिर लाइट भी फ्यूज़ हो गई थी ना। तो सब निकाल के ऐसे ही रख जाता, और मैं कुछ दिनों से यहाँ पर रह भी नहीं रहा, क्योंकि घर का काम चल रहा है। तो मैं घर पर चले जाता हूँ, इस वजह से इनकी केयर नहीं कर पाया। तो तीन चार मछली मेरी मर गई। एक मछली तो गाइस आज ही मरी, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, देख रहे हो ब्लैक मोली फिश मेरी मर गई, पता नहीं कैसे। अब इसे गाइस इस पौधे में दबा दूंगा, इसमें या तो उसमें किसी में। और गाइस ये देखो, ये रखा मेरा फिश टैंक का सारा सामान इधर निकाल के रख दिया मैंने। और फटाफट से गाइस ये पानी चेंज कर देते हैं इसका। गाइस सारी मछली कैसे तैर रही है देखते हो। तो चलो गाइस फटाफट से पहले इसका पानी निकाल लेता हूँ मैं। छन्नी गाइस मेरे लिए गाइस से मैं सारी पानी मछलियाँ पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं जाल लाना भूल गया था। तो यहाँ पे एक छन्नी बेचने वाला आया था, तो ये 10 रुपये की मिल गई थी, तो मैं इससे ही मछली पकड़ लेता हूँ सारी। गाइस बहुत गंदा, ज़्यादा गंदा पानी हो रखा है, देख रहे हो, सब साफ करना पड़ेगा। तो चलो गाइस अब पहले ये पानी निकाल लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ कितना क्या कैसा काम बच रहा। देख लो भाई गाइस कितना गंदा पानी हो गया है, क्योंकि इसका गाइस फिल्टर भी ऑन नहीं था ना। तो चलो गाइस आपको मिलता है अभी थोड़ी देर में, पहले इसका पानी निकाल लेता हूँ मैं। तो गाइस सारा पानी मैंने निकाल लिया, देखो गाइस पत्थर सारे इसमें पड़े हैं। ये सब भी मैंने पहले वॉश कर लेता हूँ, सारे पत्थर, ये कारपेट सब वॉश करके इसमें वापस लगाता हूँ। आपको दिखाता हूँ गाइस, और सारा पानी, आधा पानी में फेंक के आ गया, आधा पानी इसमें पड़ा हुआ है, ये फेंक के आना है। गाइस एक ही स्नेल है, पता नहीं कहाँ चला गया। एक स्नेल मुझे लग रहा है सिब्बू ने फेंक दिया, फेंका नहीं गाइस, ये रहा, मिल गया। मतलब कि ये मर गया गाइस, पता नहीं चला कब मर गया, देख रहे हो, मतलब पूरा खत्म सा हो गया, देख रहे हो एकदम ही खत्म हो गया ये। देखो गाइस पूरा खत्म सा हो गया ये स्नेल,
इसे भी फेंकना पड़ेगा, इसी वजह से शायद गाइस सारी मछलियां मर गई, क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया होगा ना इसका, गंदा पानी वैसे ही था, ये भी मर गया। चलो गाइस कोई बात नहीं, पहले फटाफट ये सब वॉश करता हूँ और तो फिर सारी मछलियों को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो गाइस आपको मिलता भी थोड़ी देर में, पहले ये कर लेता हूँ। और गाइस इसे देखो सिब्बू है क्या, तो गाइस आई के भग जाता है, पता नहीं क्यों क्या हो गया इसे। तो चलो गाइस पहले ये काम कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस मैंने फिश टैंक के लिए ये साफ कर लिया है, मार्बल साफ कर लिया इसका, ये साफ कर लिया, मोटर और लाइट वगैरह सब साफ कर लिए। देखो मोटर भी साफ हो गई, लाइट भी साफ हो गई, ये भी और ये भी साफ हो गए, पेड़ पौधे नकली वाले ठीक है। और ये गाइस कुल्लड़ भी साफ कर लिए मैंने, देखो सब साफ हो गया। और गाइस फुवारा भी साफ हो गया सही से, बस ये पीला पीला नहीं साफ होगा, इसको मैं बाद में कभी करूँगा ठीक है अच्छे से। बस ये पूरा तो साफ हो गया। तो गाइस अब बस बाकी बचा है बस थोड़ा सा एक ही चीज़, वो है अपना एक्वेरियम ये वाला। अब इसे भी फटाफट से साफ कर लेते हैं और सारी मछली को बाद में इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। और गाइस अभी मेरे को इनका भी ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि तो गाइस ये थोड़े से सुस्त हो रहे हैं, तो इनको दवाई वगैरह लगाएंगे। एक तो यहाँ पे है और एक गाइस पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, गाइस पता नहीं कहाँ चला गया, उसको बाद में ढूंढेंगे, पहले हम ये काम कर लेते हैं फटाफट से और फिर आपको मिलते हैं। गाइस फिशेस देखो कितनी प्यास होंगी, मैं और फिशेस लाऊंगा बाद में जब हम लोग गाइस यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे हम दूसरे वाले घर पे अपने, जब मैं लेके आऊँगा सारी फिशेस और ज़्यादा ही लेके आऊँगा, बहुत सारी एक ही बार में ले आऊँगा, आप लोग दिखाऊंगा वाली वीडियो जरूर देखना। मैं कुछ ही दिनों के बाद हम लोग वहाँ पर शिफ्ट होंगे और फिर मैं इतनी सारी मछली लाऊंगा, आप लोग को एक एक मछली दिखाऊंगा कौन सी मैं लेके आऊँ, तो आप लोग देखना। और पहले हमें ये फिशिंग वगैरह सब साफ कर लेता हूँ। और टर्टल्स देखो गाइस हमारे कैसे घूमते हैं, और ये गंदा पानी से ही फेंकना है। तो चलो गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले ये साफ कर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने एक्वेरियम साफ कर लिया है, ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया तरीके से क्या है, यहाँ पे जो इतनी वाइट वाइट वो दरारें आ रही थी ना, ये देखो लाइनिंग आ रही है अभी भी, ये अच्छे से साफ कर ली, पहले तो गाइस बहुत ज़्यादा आ रही थी, सब साफ कर लिया बढ़िया से ये देखो। और गाइस फिशिंग मैंने पहले यहाँ रखता था, अब मैं ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे सिप्पू बाबा इसमें हाथ डालता था इसमें, तो इतनी ऊंचाई से ये हाथ नहीं डाल पाएगा, तो ये यही देख रहा है देखो गाइस खड़ा हुआ। चल यहाँ से चल 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 गाइस देखो डांस कर रहा है सिप्पू, डांस डांस करो सिप्पू, करके दिखा दो डांस गाइस को। अरे क्या हो गया, वो देखो गाइस मम्मी उसके जू काट रही है वंशु के, क्योंकि गाइस पता नहीं क्यों इसके इतने ज़्यादा डिंगर हो रहे हैं। ऐसे ऐसे मम्मी इसके जो साफ कर रही है, वही लेट हुई है सिंपू को देखो यहाँ पे अभी डांस कर रहा था। तो चलो गाइस फटाफट से अब मैं इसमें पानी भरता हूँ और फिर इसके फत्ता वगैरह डेकोरेट कर देता हूँ सही से, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा है इसका है। और फिर गाइस दवाई वगैरह सब डाल के शाम या थोड़ी देर बाद आधे घंटे के बाद मैं इसमें मछली भी डाल दूंगा। तो पहले गाइस इसे डेकोरेट कर लेते हैं बढ़िया से, फिर आपको दिखाऊंगा। गाइस मैं ज़्यादा पानी नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं कम ही पानी रखूंगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने घर के लिए, तो ये वाला फिश टैंक भी मेरे को वहीं लेके जाना है। तो ही तो मैं आपको मैंने बताया ही था कि इस वाले में मैं वो डालूंगा क्या कहते हैं इसे, इसमें मैं बड़ी मछली डालूंगा हार्ट वाली, और जो दूसरा वाला है जो मैं घर पर रखे हैं उसको मैं उसमें मैं डालूंगा छोटी वाली मछली, जैसे कि मोली फिश हो गई और भी सारी जो छोटी छोटी फिश होंगी वो उस वाले में डालूंगा। तो फटाफट से पहले गाइस इसका कर लेता हूँ काम, बाकी का मार्बल्स वगैरह इसके पत्थर वगैरह सब ये पड़े इधर है, पहले गाइस इसको भी रख लेते हैं। देख लो गाइस ये पूरा ख़राब हो गया, दूसरा लेके आएंगे। तो चलो गाइस पहले इसे सामान लगा देते हैं, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ बाबू बाय, देखो गाइस ये भी इधर आ गया। हाँ चलो गाइस पहले ये लगा लेता हूँ फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस मैंने फिश टैंक में ये एकदम डेकोरेट कर दिया, देखो इसमें मैंने कुल्लड़ लगा दिए दोनों, एक इधर बीच में ये लगा दिया, इससे बुलबुले उठते हैं। और ये गाइस ऑक्सीजन फिल्टर गाइस मैंने इधर लगाया कोने में, और गाइस ये मैंने इधर रख दिया, इसके ऊपर एक पत्थर रखा पता है क्यों, क्योंकि गाइस ये ना उड़ता है फ्लोट करता है पानी की वजह से, इसलिए इसके ऊपर मैंने पत्थर रख दिया। तो गाइस अब इसमें बस पानी भरना बाकी है, बस इसमें पानी भर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा फुल मस्त तरीके से। और गाइस अपनी फिशेस तो देखो गाइस इधर बैठी है मस्त तरीके से,
चलो गाइस पहले ये कर लेते हैं एकदम डेकोरेट बढ़िया तरीके से, फिर आप इसमें पानी वगैरह डाल के फिर आपको दिखाता हूँ कितना क्या क्या मस्त करा है। और गाइस हाफ ही पानी भरूंगा, आपको तो बता ही दिया मैंने। चलो गाइस पहले काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने फिश टैंक की मोटर ऑन कर दी है, क्योंकि लाइट इसलिए ऑन नहीं करी क्योंकि गाइस यहाँ पे एक ही प्लग है, तो एक ही प्लग है सही से अभी लाइट ऑन नहीं करी। बाद में मैं बोर्ड लेके आऊँगा छोटा सा जिसमें 3-4 वो होंगे, तो उसमें मैं लाइट वगैरह बाद में 3-4-1-2 दिन के बाद लाइट फिटिंग कर दूंगा। और गाइस अभी मैं डाल रहा हूँ इनमें दवाई, ये तीनों दवाई गाइस डालनी पड़ती है क्योंकि मछली वगैरह सुस्त हो जाती है, किसी को फंगस वगैरह होता है, तो ये 3 दवाई डालते ही तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो इसलिए अभी मैं वो डाल रहा हूँ। डालने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद मैं फिशेस भी डाल दूंगा अपनी, और इसे देखो गाइस मान नहीं रहा, कुछ ना कुछ कर ही पड़ा है। तो चलो गाइस पहले ये डाल लेता हूँ, आपको अब मैं मिलूँगा डायरेक्टली जब मैं मछली डालूंगा, जब ही आपको दिखाऊंगा आप डायरेक्टली, क्योंकि गाइस इसको टाइम लगेगा थोड़ा पानी में घुलने में, अच्छे से मिक्स होने में टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा तो लगेगा गाइस, तो आपको डायरेक्टली जब ही मिलूंगा मैं। तो गाइस मैंने सोचा कि आप लोग को दवाई डालने के बाद एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइस डायरेक्टली मछली इसलिए नहीं डालते क्योंकि गाइस पानी हो जाता है एकदम ग्रीन कलर का, देख सकते हो आप। इसमें एकदम दवाई अभी मिक्स करी है, तो एकदम से मैं इनको डालूंगा तो इनको एकदम से गाइस गाइस को 2-3 मछली से एकदम से स्ट्रेस में आ जाती है, तो एकदम मर जाती है, इस वजह से अभी हम डाल नहीं सकते हैं। 1/2 घंटे के बाद जब पानी मिक्स हो जाएगा इसमें इनके रहने लायक हो जाएगा, तो गाइस इनको मैं डाल दूंगा, फिर इनको भी ये लगेगा कि हाँ गाइस पहला वाला ही इनका वो घर है ये, मतलब पानी अभी भी चेंज किया ना, इस वजह से थोड़ा सा वो थोड़ा डर जाती हैं, थोड़ी कोई कोई मछली मर जाती है क्योंकि पानी एकदम से चेंज करते हैं, तुरंत मछली डाल दो ना तो गाइस मछलियाँ मर जाती हैं, इस वजह से अभी मैं डाल नहीं सकता। तो गाइस थोड़ी देर बाद में मैं डाल दूंगा मछली, और गाइस ये देखो भाई क्या ग्रीन ग्रीन पानी हो गया एकदम, ये देखो। तो इसको फिल्टर होने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, तो 1-1.5 घंटे के बाद अब आपको मिलूंगा मैं डायरेक्टली मछली डालते समय। हो गए इसे देखो मान नहीं रहा अभी भी, पहले यहाँ रखा था फिश टैंक तो उसमें हाथ डालता रहता था, अब यहाँ पर रखा है तो भी इसमें भी कर रहा है। तो चलो भाई आपको मिलता है थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने फिश टैंक में 2-1.5 घंटा हो गया, अभी तक फिशेस नहीं डाली, तो अब मैं फिशेस डालने जा रहा हूँ। तो गाइस बात फिशेस तो इधर ही दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जितनी भी है बस यही इतनी सी बची हैं, कितनी है गाइस 6 मछली बची हैं सिर्फ, और एक स्नेल, क्योंकि दूसरा वाला स्नेल आपको मैंने दिखाया वो भी मर गया क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया था गाइस पानी में, क्योंकि 3-4 मछली मर चुकी थी तो इस वजह से इन्फेक्शन फैल गया था, तो पानी चेंज कर दिया। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ मछली सारी, तो फटाफट से एक एक करके सारी मछली डालते हैं। पकड़ ली गाइस एक, ये गई एक, ये गाइस भागती हुई तेज गाइस, जो गाइस वाइट वाली ये ना छोड़ दी इसको पानी में, अरे एक और पकड़ते हैं गाइस। गाइस आ गई हाथ में, देखो देखो गाइस ब्लैक वाली एक ही बची है छोटी, गाइस देख रहे हो हाथ से छूट जा रही है इतनी तेज है वाली। तो गाइस इनको तो मैं इस नेट से ही पकड़ूंगा क्योंकि ये बहुत तेज चलती है, हाँ मत हाँ मर बुरा चाहिए कोई मछली नीचे गिरते, नेट से पकड़ते हैं गाइस। देखो गाइस कितनी बड़ी है ना याली, ये अकेली है जो इतनी बड़ी गई, देखो गाइस और भाई गाइस सबसे नीचे चली गई बड़ी। अब पकड़ते हैं गाइस शार्क को, गाइस आ जा गाइस, ये वाली आई मेरी नेट में आ गई, अरे आ जा यार गाइस बहुत मचा रही है वाली फिश। वैसे आई नहीं रही, देखो कैसे लटक रही है, बस आ गई आ गई आ गई आ गई, कहीं से डाल देते हैं शार्क को भी, अब जाना गई गाइस, देखो वो दी गाइस नेल को तो हम हाथ से पकड़ लेंगे ऐसे,
वैसे एयर भर गई इसमें, नीचे नहीं जा रहा। वैसे इसमें और लग गई। पता नहीं क्या हो गया गाइस। हाँ हो गया गाइस, एयर निकल गई, नीचे बैठ गया पूरा। तो चलो गाइस पूरा काम कम्प्लीट। और सिबू को इसे देख लिए बैठा हुआ इधर। और गाइस वंशिका पढ़ रही है पानी की बोतल, और मम्मी बना रही चाय सबके लिए, बन भी गई चाय, उसमें उबल रहा है दूध। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। हाय के दो गाइस, हाय के कैसे ले जाता है गाइस सिर्फ। तो चलो गाइस अब आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में।